आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, वो भी बिना चीज़ के। बिना चीज़ के भी आप इतना टेस्टी पिज़्ज़ा घर पर बना सकते हैं। अगर घर पर चीज़ अवेलेबल नहीं है और पिज़्ज़ा खाने का मन है या फिर बच्चे ज़िद कर रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो आप एक बार इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। पिज़्ज़ा बनाने के लिए लेना है मैदा, ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, और लेना है दही 4 से 5 बड़े चम्मच, नमक 3/4 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, चीनी 1 छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर लेंगे 3/4 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 छोटी चम्मच, और लेंगे बटर 1 छोटी चम्मच। एक मिक्सिंग बोल लेकर इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 3/4 छोटी चम्मच नमक, चीनी 1 छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर डालेंगे 3/4 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 छोटी चम्मच से कम डालूंगी मैं, इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी बोलते हैं। दही डाल देंगे और डाल देंगे बटर, बटर की जगह पर आप ऑयल या घी भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट डो लगाएंगे। सॉफ्ट डो मैंने लगा लिया है, तो अब इसे गीले कपड़े से ढक देंगे और ढककर इसे लगभग 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए 4 टमाटर ले लिए हैं, इन्हें मैंने उबालकर इनका छिलका हटा दिया है। अभी 4 टमाटर में से 3 टमाटर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी, और इस टमाटर को मैं स्पून से थोड़ा सा मैश कर लूँगी। आप चाहें तो मार्केट से लेकर पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं या फिर टोमेटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, लेकिन आप घर पर इस तरह पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे तो उसका अलग ही टेस्ट आता है पिज़्ज़ा में। टमाटर को पीसने के बाद अब गैस पर रखेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 से 2 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 5 से 6 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, थोड़ा सा भून लेंगे इन्हें। लहसुन को भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कटा हुआ प्याज, भून लेंगे प्याज को भी। अभी इसमें डालेंगे 1 टमाटर जो हमने मैश किया हुआ है, मिक्स करेंगे और स्पून से इस तरह मैश करते जाएंगे अगर इसमें बड़े बड़े पीसेज हैं तो। इसी टाइम ही इसमें हम जो 3 टमाटर हमने पीस के रखे हैं उसे भी डाल देंगे। ये मैंने जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसी में ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही सॉस में उबाल आने लगेगा तभी इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, चीनी 1/2 छोटी चम्मच, चिली फ्लेक्स और ऑरेगेनो। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह मिक्स करते हुए सॉस को 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। सॉस में मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट और कितने यूज़ किए हैं आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच टोमेटो सॉस और डालेंगे 1 छोटी चम्मच बटर। अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को सॉस में। और ये अभी पिज़्ज़ा सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे और सॉस को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अभी हम पिज़्ज़ा के लिए बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस से पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, कोई बता ही नहीं सकता कि आपने जो पिज़्ज़ा है वो बिना चीज़ के बनाया है। मैं ये नहीं कह रही कि पिज़्ज़ा का टेस्ट चीज़ वाले पिज़्ज़ा से बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन हाँ बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला पिज़्ज़ा भी। तो मैंने एक पैन में डाला है बटर, बटर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे पहले।
ये मैंने अमूल बटर यूज़ किया है, आप चाहें तो घर का बना हुआ बटर या फिर घी भी ले सकते हैं। अब बटर के मेल्ट होने के बाद इसमें डालेंगे मैदा 2 बड़े चम्मच और इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने अभी रखा है लो। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें डालेंगे दूध, ये मैंने 1 कप से थोड़ा कम दूध लिया है, और साथ के साथ इसे मिक्स भी करते रहेंगे। ध्यान रखें साथ के साथ मिक्स करते रहें जिससे कि इसमें लम्स ना बने। गैस की फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम। सॉस जो है वो थोड़ी ज़्यादा थिक होने लगी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। सॉस को मैंने लो फ्लेम पर लगभग 1 मिनट तक पकाया है, तो अभी इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने लगभग 1/4 छोटी चम्मच नमक डाला है इसमें। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सॉस बनी है। इसको आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। अगर कभी ऐसा हो कि जो व्हाइट सॉस है वो ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप इसमें थोड़ा सा बाद में पानी ऐड करके भी मिक्स कर लें, तो सॉस जो है वो थोड़ा पतला हो जाएगा। अभी इसे ठंडा हो जाने देंगे। अभी हमारा जो पिज़्ज़ा का डो है वो भी बिल्कुल तैयार है, फर्मेंट हो गया है अच्छे से, तो इसे हाथ से थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे। अब इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 कप मैदा से हम 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब ये एक लोई बना ली मैंने। अब इस लोई को थोड़ा रोल कर लेंगे, मोटा मोटा रोल करेंगे, पूरी तरह से पतला नहीं बेलेंगे इसको। पहले हल्के हाथ से रोल करना है इसे, बस इतना रोल करेंगे। इसके बाद उसे उस प्लेट में रख देंगे जिसमें हमें पिज़्ज़ा बेक करना है। ये पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। इसे इस तरह हल्के हाथ से उंगलियों की मदद से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फैलाएंगे प्लेट में। ऐसा करने से आपका जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा फ्लफी बनता है। आपको पूरा बेलन से रोल नहीं करना है, हाथ से इस तरह बढ़ाना है। और टॉपिंग करने से पहले आप इसे उसी प्लेट में रख दें जिसमें आपको पिज़्ज़ा बेक करना है, क्योंकि फिर ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है। इस बेस को आप ज़्यादा मोटा भी ना रखें और ज़्यादा पतला भी ना करें, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने किस तरह का रखा है। अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने अभी बनाकर तैयार की है। व्हाइट सॉस डालेंगे इसके ऊपर, पहले व्हाइट सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इस तरह फैलाएंगे पूरे बेस पर। व्हाइट सॉस स्प्रेड करने के बाद अभी इसके ऊपर अपनी पसंद की वेजिटेबल्स से आप टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज लिया है टॉपिंग करने के लिए। लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी देखने में। तो अभी इसे बेक कर लेते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में बेक करने के लिए पहले बेस में हम नमक डाल लेंगे, और ये जो नमक डाला हुआ है बेस में इसको आप बेकिंग में फिर से यूज़ कर सकते हैं, केक बनाने में या फिर पिज़्ज़ा बनाने में। आप इसको फेंकेंगे नहीं, बिल्कुल सेंटर में कोई भी बाउल प्लेट या फिर स्टैंड रखेंगे जिससे कि जो हमारी पिज़्ज़ा प्लेट है वो बेस को टच ना करे। और आप ये भी ध्यान रखें कि जो पिज़्ज़ा प्लेट है वो जो कढ़ाई की साइड्स हैं उनको भी ना टच करे। अब किसी बड़ी थाली से इस तरह ढक देंगे कढ़ाई को और लगभग 20 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। लगभग 20 मिनट के बाद पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो गया है। बेस भी मैंने चेक कर लिया है, बेस भी अच्छे से सिक गया है। तो अभी गैस को कर देंगे ऑफ और पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। बिना चीज़ के बनाया है, बिना ओवन के बनाया है, कोई बताएगा ही नहीं कि इसमें चीज़ नहीं पड़ा हुआ है। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप इसमें चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा जिस प्रोसेस से मैंने बताया है पिज़्ज़ा बनाना।
इसी तरह से मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ, और ये मैंने एल्युमिनियम की प्लेट ली है और इसे मैंने कढ़ाई में ही बेक किया है। आप सर्व कीजिए ये पिज़्ज़ा गर्मा गर्म इस तरह पीसेज में कट करके, और सभी को आपके घर में कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।